हाय फ्रेंड्स, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को आपंक स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में डिस्कस करवा जहाँकि ओडिशा गवर्नमेंट तरफ जहाँकि समस्त कैटेगोरी जहाँकि एससी एसटी ओबीसी जनरल कैंडिडेट को जहाँकि एज लिमिट बढ़े दि जाएगी तहार संपूर्ण तथ्य आम डिस्कस करवा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेष पर्यटन देखते एमती नॉर्मल एजुकेशनल इनफॉरमेशन और जॉब अपडेट्स वीडियो देखा चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आप जब ये पीडीएफ टी पाइबा चाहते हैं टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल न्यूज के जॉइन जाते हैं जहाँकि डिस्क्रिप्शन लिंक दे देखिए मुझे पीडीएफ टी देदेवि। तो देखिपे एज लिमिट जहाँकि परमानेंट नुह केवल 2021 2022 और 2023 केवल लागू जहाँकि 2021 सरी जाए 2022 और 2023 खाली 2 वर्ष एज लिमिट लागू हम जहाँकि एससी एसटी एससी बीसी को पई जहाँकि प्रथम 38 वर्ष थिला या को 5 वर्ष बढ़े दि जाएगी जहाँकि 43। वुमेन ऑल कैटेगरी को पई जहाँकि रही 38 आउ 5 वर्ष बढ़े दि जाएगी जहाँकि 43 और जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पई जहाँकि 38 थिला 10 वर्ष बढ़े दि जाएगी ता हेगला 48। एससी एसटी एससी बीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पई जहाँकि 38 थिला ओ आउ 10 वर्ष थी 53 होता आउ 5 वर्ष बढ़े दिखाईटा ही जाए 53। जाणी रखते फ्रेंड्स, यहाँ केवल 2021 22 और 23 वर्ष तो 2021 सरी जा लागू हम 22 और 23 केवल 2 वर्ष एज रिलैक्सेशन लागू हम लागू हम ना एमती नुआ नुआ एजुकेशनल इनफॉरमेशन और जॉब अपडेट्स भी देखा चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करूँ और यही पीडीएफ टी पाइबा चाहते हैं टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल न्यूज़ जॉइन जाए डिस्क्रिप्शन में दे देती। थैंक यू।